आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बिटगेट एक्सचेंज से यूएसडीटी या कोई भी क्रिप्टो कॉइन बायबिट की एक्सचेंज पे कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, कितना टाइम आपको लगेगा, कौन सा नेटवर्क आपको सिलेक्ट करना होगा, एड्रेस कहाँ से कॉपी करना होगा, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम बख्तियार है और आप देख रहे हैं मिस्टर टेक्निक। इससे पहले वाली वीडियोज में हमने बात की थी कि आप बिटगेट एक्सचेंज पर ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, कॉइन्स को बाय और सेल कैसे कर सकते हैं, यूएसडीटी को बाय कैसे कर सकते हैं, फिर हमने बायबिट एक्सचेंज पे अकाउंट बनाया था, वहाँ पे ट्रेडिंग की थी। आज की इस वीडियो में हम ट्रांसफर करेंगे यूएसडीटी जो कि हमारे पास पड़े हुए हैं बिटगेट एक्सचेंज पे, वहाँ से हम ट्रांसफर करेंगे बायबिट एक्सचेंज के अकाउंट में। अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोज आपको टाइम पे मिलती रहे। चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो ये मैंने अपने पास बिटगेट की एप्लीकेशन ओपन कर ली है, यहाँ से मुझे सेंड करने हैं यूएसडीटी बायबिट एक्सचेंज के अकाउंट में। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपको आना होगा एसेट में। एसेट में आने के बाद यहाँ पे आपको करना होगा विदड्रॉ पे क्लिक। विदड्रॉ को प्रेस करते हैं, जैसे ही विदड्रॉ को प्रेस करेंगे तो आपके पास वो पॉइंट्स आ जाएंगे जिन में आपके पास अमाउंट पड़ा हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास यूएसडीटी में पड़े हुए हैं 20 यूएसडीटी को मैं सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है ऑन चेन विदड्रॉल इंटरनेट ट्रांसफर। ऑन चेन विदड्रॉल क्या होता है कि अगर आप एक एक्सचेंज से दूसरी एक्सचेंज पे कर रहे हैं, एक एक्सचेंज से वॉलेट में कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा ऑन चेन विदड्रॉल। अगर आप बिटगेट से बिटगेट पे कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे इंटरनेट ट्रांसफर करना होगा जिसकी फी बिल्कुल जीरो होती है। तो यहाँ पे ऑन चेन विदड्रॉल करते हैं। यूएसडीटी हमारा ऑलरेडी सिलेक्टेड है और यहाँ पे आपके पास देखें नेटवर्क आ गए काफी सारे कि कौन से नेटवर्क पे आप विदड्रॉ करना चाह रहे हैं। ठीक है, TRC20 है, ERC20 है, BEP20 है, तो काफी सारे यहाँ पे नेटवर्क आ गए जिनकी अलग अलग फीसेस है। तो यहाँ पे सबसे जो बेस्ट रहता है वो रहता है TRC20 जो कि इंस्टेंटली विदड्रॉ हो जाता है और हर एक्सचेंज पे अवेलेबल होता है। उसके बाद आप BEP20 कर सकते हैं, उसकी फीस भी कम होती है, देखें $0.28 है, मगर ये किसी एक्सचेंज पे अवेलेबल होता है, किसी एक्सचेंज पे अवेलेबल नहीं होता। तो बायबिट की अगर बात करें तो वहाँ पे हम जाके चेक करते हैं, अगर BEP20 नेटवर्क अवेलेबल होगा यूएसडीटी में तो हम उसमें ट्रांसफर करेंगे। अभी के लिए मैं यहाँ पे BEP20 सेलेक्ट कर लेता हूँ। और BEP20 देखें आप मिनिमम 0.01 यूएसडीटी ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप TRC20 करेंगे तो देखें मिनिमम उसका होता है $10 और फी भी इसकी आपको लगती है 1 USDT। अगर BEP20 करेंगे तो फी आपको लगती है $0.28, तकरीबन $0.29 यहाँ पे लग रही है। तो चलते हैं बायबिट की एप्लीकेशन पे। तो बायबिट की एप्लीकेशन हमने ओपन कर ली है, आ जाते हैं यहाँ पे एसेट में। एसेट में आने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है डिपॉजिट। डिपॉजिट पे आ जाएं। डिपॉजिट के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है डिपॉजिट विद क्रिप्टो, इसको सिलेक्ट करें। कौन सा क्वाइन आप डिपॉजिट करना चाह रहे हैं, भाई USDT करना है। अब आपके पास यहाँ पे नेटवर्क आ गए, ठीक है, और मल्टीपल यहाँ पे आपके पास नेटवर्क आ गए, ERC20, TRC20, बाइनेंस स्मार्ट चेन यानी कि BEP20 भी यहाँ पे है, मगर यहाँ पे कंजेस्टेड लिखा हुआ है यानी कि इसमें थोड़ा इशू चल रहा है। अगर इसको सिलेक्ट करें तो ये लिखा हुआ है प्लीज़ कन्फर्म दैट यू आर डिपॉजिटिंग USDT टू दिस एड्रेस, मिसमैच एड्रेस, भाई ये तो बात सही है। दिस नेटवर्क कंजेस्टेड मेजर स्लोअर ट्रांजेक्शन प्रोसेस एंड हायर नेटवर्क फीस। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अभी इस नेटवर्क पे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस चल रही है, आपकी ट्रांजेक्शन थोड़ी सी स्लो हो सकती है यहाँ पे और फी भी आपको ज़्यादा लग सकती है। तो अगर इस तरह का इशू हो तो आप इस चक्कर में नहीं पड़ें, क्योंकि हो सकता है आपकी ट्रांजेक्शन यहाँ पे स्टक हो जाए और फिर आप परेशान हो जाएं। तो यहाँ पे सिंपली आप TRC20 कर लें, इसको ओके कर लें, ये आपका एड्रेस होगा TRC20 का, इसको आपको करना है कॉपी। अभी उसके बाद नीचे आ रहा है कि डिपॉजिट टू आपको कहाँ पे करना है, इसको क्लिक करें। आपको फंडिंग अकाउंट में करना है या ट्रेडिंग में करना है। अगर फंडिंग में करेंगे तो उसके बाद अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपको ट्रेडिंग में ट्रांसफ़र करना होगा। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ ये डायरेक्ट मुझे ट्रेडिंग में चाहिए, मैं कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे हम आते हैं बिटगेट एक्सचेंज की एप्लीकेशन की तरफ और नेटवर्क हम यहाँ पे करते हैं TRC20, क्योंकि वहाँ पे भी हमने TRC20 सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे भी TRC20 सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे करते हैं पेस्ट। मिनिमम विदड्रॉल 10 USDT है, मैं यहाँ पे 11 USDT करूँगा क्योंकि $1 मुझे फी लगेगी, मुझे टोटल 10 USDT चाहिए। सारी चीज़ें सही है, विदड्रॉ पे के बटन को प्रेस करते हैं। उसके बाद आपके पास कंफर्म ऑर्डर आ जाएगा, भाई विदड्रॉल नेटवर्क ये है, विदड्रॉल एड्रेस ये है, क्वाइन ये है, विदड्रॉल अमाउंट ये है, फी आपको 1 USDT लगेगी। बाकी उसके नीचे ये कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं जो को हमें पढ़ने नहीं है, तो उसको पहले लीव कंफर्म। अब आपके ईमेल पे और आपके फ़ोन पे दोनों जगह पे कोड आएगा, वो हमें यहाँ पे पेस्ट करना होगा। ठीक है, दोनों जगह मैंने कोड लगा दिया है, इसको करते हैं कंफर्म और हमारा विदड्रॉल ऑर्डर सबमिट हो गया। ठीक है, क्वाइन हमारा ये है, चेन नेम ये था, विदड्रॉल एड्रेस ये वाला है, अमाउंट रिसीव कितना होगा 10 USDT होगा। अगर व्यू स्टेटस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये आ रहा है पेंडिंग, वंस एनेबल विदड्रॉल कैन बी कैंसिल विद इन 1 मिनट।
अब बिटगेट आपको यहाँ पे ये फैसिलिटी देता है कि आप एक मिनट के अंदर इस ट्रांजेक्शन को कैंसिल कर सकते हैं, उसके बाद तो ये रिवर्स नहीं हो सकती। तो भाई मुझे रिवर्स नहीं करनी है, एक मिनट अगर आप इंतजार करना चाहें तो इस ऑप्शन को इनेबल रहने दें। अगर आप उसी टाइम करना चाह रहे हैं कि ये ऑप्शन आपके पास आई नहीं पेंडिंग वाला, तो इनेबल नाउ पर प्रेस करें, कैंसिल विथड्रॉल बंद है, ठीक है, अप्रूव होगी इसी टाइम। अब प्रोसेसिंग यहाँ पे स्टार्ट होगी। अब एक मिनट के अंदर आप इस ट्रांजेक्शन को कैंसिल नहीं कर सकते हैं। ये ऑप्शन बिगिनर के लिए दिया जाता है कि अगर आप गलती से कोई नेटवर्क गलत डाल देते हैं, एड्रेस गलत डाल देते हैं, तो यहाँ से आप वापस कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे एस्टिमेटेड टाइम लिखा हुआ है 5 मिनट। 5 मिनट के अंदर आपकी ट्रांजेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, जो कि लेस देन ए मिनट भी हो जाती है आपकी कंप्लीट, ठीक है। यहाँ पे हमें थोड़ा सा करना पड़ेगा वेट, इसको करते हैं रिफ्रेश। तो कुछ ही मिनट के अंदर हमारी ट्रांजेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। 11 USDT हमारे ट्रांसफर हो गए बायबिट एक्सचेंज के अकाउंट में। चलते हैं बायबिट एक्सचेंज के अकाउंट पे और वहाँ पे वेरीफाई करते हैं इस ट्रांजेक्शन को। बायबिट एक्सचेंज ओपन हो गया, एसेट पे आते हैं, तो यहाँ पे देखें 10 USDT मेरे रिसीव हो गए, 0.01 मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए थे। तो 10 USDT हमने ट्रांसफर कर लिए बिटगेट एक्सचेंज के अकाउंट से। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ आई होगी कि बिटगेट एक्सचेंज से आप USDT कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं बायबिट एक्सचेंज के अकाउंट में। अगर फिर भी कोई इशू आ रहा है, बात समझ में नहीं आ रही है, तो मुझे आप कमेंट ज़रूर करें, इंशाल्लाह आपका मसला ज़रूर हल करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।